देखो काफी बढ़िया है। ऐसा कुछ सीन है। और इस बेर से अभी अभी हिलाए। गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू क्रेजी श्रुति व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मौसम देख रहे हो अभी ना, बिल्कुल पानी आने वाला जैसे मौसम हो रखा है। और थोड़ा थोड़ा ना पानी, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद आ ही रहा है। और वो देखो एक बर्ड है जो उड़ रहा है, क्योंकि बर्ड उड़ता ही है ना। और यहाँ पे मैं आई थी कपड़ा उठाने के लिए, यहाँ पे ढेर सारा कपड़ा उठा के मैं पकड़ी हुई हूँ और व्लॉग कर रही हूँ। और ऐसे थोड़ा थोड़ा ना बादल से आवाज़ भी आ रहा है और चिड़ियों का भी काफ़ी बढ़िया सा आवाज़ आ रहा है, सुनना आप लोग। पता नहीं सुनाई देता है कि नहीं, बट अभी पानी गिर रहा है, मतलब गिर नहीं रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब गिरने का आभास हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मतलब एक आध बूंद ना मेरे ऊपर तो आया था। और ऐसा ही कुछ है, मतलब थोड़ा थोड़ा गिर रहा है लगता है ये, नीचे नीचे को देख देख के कहीं कहीं पे मुझे पानी पानी दिखता है गाइस। और ये देखो, और यहाँ पे मैं क्लोथ पिन को इसमें रखी हूँ एक ठी जमा के। तो चलो नीचे चलते हैं गाइस, क्योंकि पानी मेरे ऊपर गिरना चालू हो चुका है। और ये देखो गीला गीला हो रहा है और इधर इधर दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये देखो पता चल रहा होगा। तो सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, ये देखो चिड़िया वगैरह लोग सब उड़ते उड़ते जा रहे हैं अपना घर। तो हम लोग भी अपना घर चलते हैं, हमें भी अपना सेफ्टी देखना है ना, नहीं तो हम भी बीमार हो जाएंगे चिड़ियों की तरह। देखो कितना फास्ट फास्ट जा रहे हैं, कैमरा उतना फोकस नहीं कर पा रहा है, बट मैं ऐसे ही आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, कहीं दिख जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो चलो चलते हैं, नहीं तो मेरा कपड़ा भी ये सारा गीला हो जाएगा। बहुत धोई हूँ मैंने आज, बहुत मेहनत किया है इस महीने कपड़ा धो के, मैंने नहीं मेरे मशीन ने, बाकी मैंने टाइम दिया है उसमें। गाइस मैं यहाँ पे अपने अंदर में आ चुकी हूँ और कपड़ा पकड़ी हुई हूँ, हम अभी सेफ हैं क्योंकि हम अंदर में ही हैं। ये हमारा ये सीढ़ी वाला रूम में है हम, ये देखो। और इधर पानी वगैरह ही रहा, चिड़िया लोग ऐसे अपने अपने रूम जा रहे हैं, मतलब अपने पिंजरे क्या बोलते हैं नेस्ट में। हाँ, और यहाँ पर मेरी मम्मी कर रही है बादाम का सफाई, मतलब जो छिलका होता है ना उसको निकाल रही है, उसका कुछ लड्डू वगैरह बनाना है उसको शायद। और गाइस यहाँ एक आंटी आई थी तो हम लोग सब पपीता मिल करके खाए, पपीता काटी थी। और यहाँ एक चिड़िया है, देखो कितना सुंदर सा है, पर अच्छे से फोकस नहीं ले पा रही हूँ मैं, मतलब मेरा कैमरा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा था, उसका ना कलर बहुत अच्छा था, इसमें दिख नहीं पा रहा है बट। और यहाँ पे हो गया है शाम और यहाँ पे मैं कुछ कुछ बना रही हूँ, ऐसे ही कुछ रेसिपी वगैरह शेयर नहीं कर रही हूँ, बट जो जो कर रही हूँ मैं वो सब दिखा दे रही हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैं जितने भी टमाटर प्याज काटे थे उसको मैं यहाँ पे उबलते हुए पानी में डाल दी हूँ और ऐसे ही मैं बना ले रही हूँ मैगी गाइस।
यहाँ मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा जब प्याज वगैरह डालते हैं ना तो थोड़ा डालना पड़ता है। और डाल दे रही हूँ मैगी गाइस। और मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मसाला डाल रही हूँ, कोई सा भी मैं डाल देती हूँ जो घर में होता है वो वाला। तो अभी मैं ये गरम मसाला डाल रही हूँ। अब लास्ट में पानी पूरा उसका कम होने लगता है ना, तब मैं डालती हूँ ये वाला मसाला। मतलब अभी थोड़ा सा डालूँगी, फिर मिक्स करूँगी, फिर आधा आधा डालती हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से मुझे पसंद है गाइस खाना, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और इसमें ना कलर थोड़ा सा वो दिख रहा है, वाइट वाइट सा, बट ऐसे वाइट वाइट सा नहीं, अच्छा कलर है। और यहाँ पे मैं दो कटोरी निकाल ले रही हूँ, एक मम्मी के लिए और मेरे लिए। तो गाइस यहाँ पे मैंने मैगी बनाया है, एक मम्मी के लिए निकाला है। मम्मी ज़्यादा मिर्ची वगैरह खाती नहीं है, तो उसका मैंने डाली हूँ। जो टमाटर वगैरह सब है मेरे में ही ले ली हूँ। तो बना तो रही थी मैं अपने लिए, बट चलो मैं सोची मम्मी को भी पसंद है तो दे देते हैं, दोनों थोड़ा थोड़ा खा ही लेते हैं गाइस। तो काफ़ी सिंपल तरीके से बनाई हूँ, और प्रोसेस वगैरह तो दिख ही गया होगा, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं। मन किया बस बना ली, ऐसे खाती नहीं हूँ हमेशा, बट काफ़ी दिन बाद खा रही हूँ। आई थिंक इस साल का ये पहली बार वाला हो सकता है, पूरा मतलब एकदम कंफर्म नहीं हूँ, बट शायद पहली बार ही है। और ये देखो कितने अच्छे से ये बने हुए हैं, पास से देखो गाइस। मैं कढ़ाई में ना कलर उतना अच्छा नहीं दिखा था, बट ये काफ़ी अच्छा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, इसे हम लोग इन्जॉय कर लेते हैं। अभी मैं पढ़ाई करके ख़त्म कर रही हूँ, और एकदम खचड़ पचड़ मैंने लिख दिया हुआ है। और अभी टाइम हो रहा है रात का 2:05, और काफ़ी मुझे नींद तो नहीं आ रहा है वैसे अभी, बट सोते हैं गाइस। सुबह उठना भी है और पढ़ना भी है, और तो ये राइटिंग को इग्नोर करना। और ये मेरा है रफ कॉपी, मुझे नोट में करना है, बट अभी ना ऐसे ही मैंने रफ में कर दिया है ताकि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, बाद में मैं कर लूँगी। समझने के लिए बस मैंने रफ में ऐसे थोड़ा नोट वगैरह बना लिया है, उधर काफ़ी बनाई हूँ मैं, क्या कह सकते, छोड़ो। और ये मेरा पिछले साल का, ये इसमें नोट्स करा था मैंने, ये देखो कलरफुल, इतना हाईलाइट वगैरह की थी मैं। और ये ना ये जो हाईलाइट है ना वो क्या क्या है, वो ना एक कलर का है पता है, जो मोम कलर नहीं आता उसका है। तो अभी कितना गपशप करेंगे गाइस, टाइम भी बहुत हो गया है। तो मिलते हैं सुबह, पता नहीं कितना बजे उठेंगे, लेट हो सकता है, अभी हो रहा है 2:07-8 उठ जाएंगे, खैर देखते हैं। सो सुबह मिलते हैं गाइस, टिल देन कीप वॉचिंग क्रेजी श्रुति व्लॉग। ये है मेरा गार्डन, जो जो फर्स्ट में मतलब व्लॉग देखते होंगे शुरू में, उन लोगों को याद होगा कि ये कितना अच्छा था। अपना पूरा पता नहीं यार, ये वाला घास है ना, ये छोटा छोटा दिख रहा है, वो पूरा ऐसे भर गया है एकदम ज़्यादा। और ये देखो ऐसा कुछ है लहसुन, मतलब ये घास को ना, ये देखो ये वाला छोटे छोटे वाला घास है ना, पूरा भर गया है। और ये एक साग है हमारे यहाँ का, ये वाला दिखाती हूँ, खूब है, हम लोग बनाएंगे एक आध दिन, छाटना पड़ेगा वैसे। यहाँ देखो खूब सारा है, ये ना एकदम ब्रेन बूस्टर बोल सकते हो इसको, क्योंकि ना ये ना एकदम बोलते हैं लोग, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, नहीं मैंने अजमाया इसको ना सुबह खाली पेट खाने से, ऐसा बोलते हैं दिमाग बढ़ता है। तो यहाँ पे है, और यहाँ एक मिर्ची का पौधा है हमारा, और यहाँ धनिया, और इधर देखो खूब सारा इधर लगा हुआ है, तो इसको भी हम बनाएंगे कभी तो दिखाएंगे गाइस। ये देखो कितने अच्छे से हो रखा है, एकदम फ्रेश फ्रेश घर के ही, ऐसा कुछ गंदा वाला नहीं है। यहाँ जो पानी है ना वो यहाँ से जो ओवरफ्लो होता है ना हमारा, ये पाइप लगा हुआ यहीं पर आता है, और इधर उधर इन लोगों को पानी वानी पटा देता है। तो ये देखो कितने अच्छे से लगे हुए हैं ये साग, तो ऐसा ही है। और मैं गुड मॉर्निंग बोली कि नहीं, गुड मॉर्निंग गाइस। और ये देखो एक फ्लावर, सुंदर, कितना सुंदर लग रहा है, खुशबू आ रहा है यार, देसी फ्लावर होते हैं ना तो उसे खुशबू आता है, मतलब देसी रोज़ बोल रही हूँ। ये देखो एक और फ्लावर, ये लहसुन ना पूरा सो गया है पता नहीं अब इसका। ये देखो मूली है एक हमारा, यहाँ पे ये मूली फ्रेश है, नाखून लग रहा है मेरा, ये देखो ये सब पूरा सो गया है, बिकॉज़ ये घास ना इसको मतलब उठने नहीं दे रहा है, पता नहीं थोड़ा सो ही जाता है। और इसको भी टाइम लगेगा पता है, और 2-3 महीना के बाद उखाड़ेंगे, ये बहुत टाइम लगता है। और धनिया में भी फूल आ रहा है, धनिया इधर, धनिया दिखाई कि नहीं दिखाई मैं, तो ये भी धनिया है, खुशबू आता है मतलब देसी धनिया से,
मतलब घर का धनिया, मार्केट का धनिया से नहीं आता। और ऐसा कुछ हो रहा है वेदर। मेरा कैमरा अच्छा नहीं है उतना, बट फिर भी कम चला लेती हूँ मैं। मुझे लग रहा था यार वन प्लस का कैमरा अच्छा होगा, बट नहीं हुआ उतना अच्छा। पहले तो मैं ऐसे नॉर्मल एंड्रॉयड यूज़ करती थी, बट कोई नहीं, सह लेंगे गाइस हम। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। वैसे हम चलाते काफ़ी हैं, बट देखते हैं अगर हम यूट्यूब में सक्सेस हो गए तो हम ज़रूर कुछ अच्छा फ़ोन खरीदेंगे, बट अभी तो कुछ उम्मीद नहीं है हमें। ये देखो मिर्ची काफ़ी रेड रेड हो गया, ब्यूटीफुल ना। तो चलो चलते हैं अंदर। गाइस आज के डिनर में बना हुआ है केले का सब्जी, जो कि बहुत सिंपल तरीके से बना है। बस तेल में प्याज मिर्ची डाल करके हल्दी और लौकी, और लौकी नहीं केला, केला डाल करके टमाटर डाल करके इसे अच्छे से मतलब केला को फ्राई वगैरह करके इसे पका दिए हैं गाइस। सिंपल है बट बहुत टेस्टी है, ये देख सकते हो आप सब लोग। और राइस दाल एंड ये होगा, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। सिंपल है बट घर का खाना मुझे सिंपल ही पसंद है, ज़्यादा मसाला वाला खाना मुझे ना केवल हल्दी और धनिया ही केवल काफ़ी चीज़ों में अच्छा लगता है टेस्ट। और वैसे छोले वगैरह हो तो थोड़ा सा मसाला डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा। तो ये देखो डेली में तो घर का ही खाना में ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। हेलो गाइस, तो आज हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पे हम कहीं जा रहे हैं, तो चलिए आप सबको भी लेके चलते हैं, पता चल ही जाएगा कहाँ जा रहे हैं। एक कुआं है पापा, ओहो कुआं में तो गंदा है रे। तो गाइस हम आए हैं बेर लेने के लिए, जो कि अभी अभी थोड़ी देर पहले इसको हिला रहे थे तो पापा बोले चलो, लेकिन ये लोग सब चले गए हैं तो हम लोग आ गए हैं बेर लेने के लिए। तो ये देखो ये खेत में हम लोग पहले भी आए थे, बट अभी भी है बेर। हम यहाँ से उतरेंगे नीचे। मम्मा, और ये देखो इसमें ना ये भी हुआ है, ये इससे छोटा वाला मटर है। हमारे साइड इसे ना बटरा बोलते हैं, ये देखा। बट मैं अभी मैं कुछ खाऊंगी नहीं गाइस, क्योंकि मैं अभी उठ के आ रही हूँ। ये देखो कितना सारा हुआ और कितना बढ़िया बढ़िया हुआ यार। ये देखो देखो काफ़ी बढ़िया है। ऐसा कुछ सीन है। और इस बेर से अभी अभी हिलाए थे बोल रहे थे, अभी गिराए हैं इस पेड़ से। मतलब मैं और पापा आए हैं, अभी लेके आई हूँ पापा को। चलो 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 बोल के। तो ये पेड़ का इधर का नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि इधर चलते सब है ना, हेलो उठाएंगे इधर का नीचे का है ना। ये सबको अभी अभी हिला के गए हैं, गिरा हुआ है अभी खेत में। तो ये ना ऊपर का खेत है और ये खेत है नीचे का। तो यहाँ भी अभी गिरा हुआ है, देख लो ये काफी फ्रेश फ्रेश है। ये देखो ये अच्छा नहीं है, ये देखो इस तरीके से ना बगल में ही है, तो कुछ गंदा भी नहीं है यहाँ पे। तो वैसे भी बेर कोई तोड़ते हैं ना गाइस, तो ऐसे ना हिला लेते हैं फिर नीचे का उठाते हैं। ये देखो कितना बढ़िया है, पेड़ से तोड़ा हुआ नहीं खा सकते ना एकदम बेर ऐसे, मतलब पेड़ से टूटा हुआ है लेकिन इसको गिराए हैं तोड़ के। हम आ गए नीचे खेत, पापा उधर कहीं जा रहे हैं, बस हमारा घर पास में ही है, ये घर छोड़ के। हाँ इधर भी है, हाँ आऊँगी। तो वो वाले पेड़ में भी है लेकिन मतलब उसको तो नहीं गिराया, लेकिन अभी जो भी है ना वो मतलब रात में गिरा होगा। तो चलो उठा लेते हैं गाइस, क्या से उठाऊँ मैं, तो दबा दे रही हूँ, कितनी गंदी हूँ यार मैं, दबा देती हूँ। ये देखो तरीके से सारे इधर बेर लगे हुए हैं, इसको हम लोग को उठाना है गाइस। अच्छे अच्छे को देख देख के समझ में आ जाएगा, जो बिना फटे हुए ना इधर इस टाइप से इसको उठाना है और प्लास्टिक में डालना है।
इधर भी काफी गिरे हुए हैं, थोड़े ना क्या बोलते हैं वो गिरते हैं तो भी फट जाते हैं, पर फटा हुआ को नहीं उठाएंगे, अच्छा कोई उठा लेते हैं। हम बड़े देसी लोग हैं गाइस, जितने हम मॉडर्न बन सकते हैं उतने हम देसी भी बन सकते हैं, तो कोई जज नहीं करेगा कि इसे उठा उठा के खा रहे, उठा के खाने में क्या है यार, पेट का ही तो है ना। आ कौन एग्री करता है, ये ना ऊपर मेरे बाल में फंस रहा है, ये देखो ध्यान नहीं दी थी मेरी इसमें आ गया था, पेड़ में थी अब हम यहाँ आ गए, ये छोटा सा पेड़ है बट ये अपने आप गिरा है तो ज़्यादा नहीं गिरा है, बट इसे कहते हैं छोटा वाला बेर, जो कि इसका सेप तो बहुत अच्छा है बट इससे दिख नहीं रहा है, बट होगा उसको हिलाने से, बट यहाँ ज़्यादा गिरा ही नहीं, ये मुझे चारी ठीक लगा तो मैं उठा ली चारी को। हम यहाँ पे बेर तोड़ लिए हैं, जितना ज़्यादा भी नहीं ठीक ठाक, और यहाँ पे पापा एक लकड़ी लेके जा रहे हैं क्योंकि उनको कुछ फावड़ा वगैरह होता है ना उसमें डालना है, तो इधर इधर ना इस छोटा मोटा पेड़ को पेड़ का टहनी थोड़ा सा काट लेते हैं तो बन जाता है, वो सूखा टाइप से होता है ना उसी को घर, और ना ये छोटे वाले मटर होते हैं ना दाल के लिए होते हैं, मैंने ये भी थोड़ा तोड़ लिया है, पर ये दूसरे के खेत के हैं, कोई नहीं यार थोड़ा बहुत खा सकते हैं। यहाँ गर्मी में पहुँच गई हूँ, मिलते हैं गाइस थोड़ा देर बाद। तो यहाँ पे जो लेकर के आए थे ना लकड़ी, वो इसके लिए लेकर के आए थे इसको चढ़ाने के लिए, तो ऐसा ही था गाइस आज का व्लॉग हमारा, और ये हमारा गार्डन वगैरह है, तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो जा रहा है व्लॉग मतलब बना तो और था लेकिन मुझे काटना पड़ा क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।